नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं अमृत विचार। 18 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 71 साल की अम्मा ने कोरोना वायरस को हरा दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों ने भी विजय मुस्कान के साथ विक्ट्री बनाकर सकीला को उनके घर विदा किया है। देखिए पीलीभीत से नीरज केनारत की यह रिपोर्ट। सकीला बेगम की उम्र तकरीबन 71 साल है। जहां उम्र के इस पड़ाव पर लोग छोटी बीमारियों के सामने घुटने टेककर किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं, वहीं सकीला ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना वायरस को मात दी है। बरेली मंडल का पहला कोरोना पॉजिटिव केस आखिरकार निगेटिव हो गया है। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में हरियारपुर गाँव की निवासी 71 वर्षीय सकीला पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज थी। चौथी जाँच रिपोर्ट में उनका सैंपल लगातार 2 बार निगेटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने महिला को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित करते हुए उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया है। सऊदी अरब से उमरा कर वापस लौटे सकीला ने कोरोना के लक्षण मिले थे। उन्हें 19 मार्च को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां लंबे इलाज के बाद आखिरकार चौथी रिपोर्ट में वह कोरोना वायरस से मुक्त पाई गई हैं। सकीला को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में डिस्चार्ज कर दिया गया। महिला के ठीक होने से स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि सकील बेगम का ठीक होना खुशी की बात है, पर अभी खतरा बराबर है और उसकी चुनौतियां भी लगातार हैं। इससे सबको मिलकर लड़ना होगा। और डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनके बहुत धन्यवाद। अल्लाह ने हमें इलाज करा, अपने घर बैठे हुए हैं और बेटा भी हमारा आ गया है। और आपका बड़ा बड़ा अल्लाह उसका सुर है परवरदिगार का, और आपने बहुत ध्यान दिया सबने बहुत अच्छी तरह से। नहीं देखिए, जो भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश रहे हैं उसके अनुसार हम लोगों ने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है यहाँ पर। और जो हमारे 2 कंफर्म केसेस थे उसमें से एक जो शकीला बेगम है उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। लेकिन मैं सभी से अपील करूँगा कि अभी बहुत खुशी मनाने का ये समय नहीं है, क्योंकि चुनौतियाँ भी लगातार बरकरार हैं। पीलीभीत और उसके आसपास के जनपदों से जो खबरें आ रही हैं, लगातार ये केसेस बढ़े हैं। तो यदि ऐसे में हम अपने केसेस को यहाँ समाप्त कर पाते हैं तो उसके बाद भी हमारी चुनौती होगी कि और कोई नए केसेस यहाँ ना आने पाएँ। पब्लिक लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, जो माननीय मुख्यमंत्री के शासन का माननीय प्रधानमंत्री के जो निर्देश हैं उनका हमें पूरी तरह हमें पालन करना है, अपनी सतर्क दृष्टि बनाए रखनी है और सभी को मिलकर कोरोना वायरस को हराना है। जो 2 लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव थे उसमें से जो सस्पेक्ट थी, पेशेंट जो थी वो नेगेटिव हो गई है, और उसका बेटा अभी पॉजिटिव है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, कुछ गाइडलाइंस आई थी कि जो लोग बाहर से आए उनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा या घर के अंदर रहें, ऐसा लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस नियम को नहीं मान रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जो है वो हमारी आशा जो है वो घर घर जा रही है और सबसे पूछती है कि मतलब जो है वो किसी को कोई लक्षण तो नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया है, तो उसमें जो है वो सबको उसका सहयोग करना चाहिए। जैसे हम इसमें इस वाले केस में जो हमारे यहाँ ये एडमिटेड थी पॉजिटिव, तो उसमें हमने देखा कि जैसे ही बाहर से उमरा करके जो लोग आए थे उनकी हमें तुरंत सूचना मिल गई और उनको हम लोगों ने तुरंत ही क्वारंटाइन कर दिया और उनको जो है जो सस्पेक्ट था उसको तुरंत भर्ती कर दिया और उसका इलाज तुरंत शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसके अंदर वायरल लोड कम होने की वजह से उसकी स्थिति स्टेबल बनी रही और वो जो है इससे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। तो अगर हम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा किसी के अंदर कोई परेशानी है तो वो जो है उसका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और जो है बाकी जनता जो है उस वो भी जल्दी उसके ऊपर एक्शन होके वहाँ पर सब ACS होके एक्टिव केस सर्च निकाल के उनका सब कार्यक्रम जो भी उनकी दवाई वगैरह है वो जल्दी शुरू हो जाएगी तो वो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए मेरा एक निवेदन सबसे है कि वो जल्दी जो भी आशा पूछती है या जो भी हमारे को किसी जो भी होम क्वारंटाइन में है या बाहर से जो लोग भी आए हैं उनको जैसे ही कोई परेशानी होती है, जैसे खांसी आती है या बुखार होता है या उनको कोई सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनको तुरंत जो है वो स्वास्थ्य विभाग को या कंट्रोल रूम में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि उनके ऊपर जल्दी से कार्रवाई हो सके। अच्छा, आशाओं की बात करें तो पूर्णपुर से एक शिकायत आ रही थी, कल आई थी शिकायत कि एक आशा थी गांव में गई थी, उनसे लोगों ने बर्ता की थी, उसके लेके उन्होंने FIR भी दर्ज की थी। ऐसे लोग अगर ऐसा बिहेव करते हैं तो उनके लिए क्या संदेश? इसमें जो है मुझे ये आपको बताना है कि जो आशा के साथ हुआ था वो उसका एक व्यक्तिगत मामला था, वो उस समय जो है वो ड्यूटी पे नहीं थी, वो उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी।